हो रही है शिव की आराधना मोदी हाउस में। मोदी हाउस के देसी बॉयज को मौका मिला है इसी बहाने अपने कसरती बदन को दिखाने का। पूजा तो बस बहाना है, सबकी नजरें एक दूसरे की फिट बॉडी को देख रही हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि सीरियल की कहानी में आखिर हुआ क्या। दरअसल सीरियल में भोलेनाथ की पूजा के साथ खुला है एक राज भी। अहम ने गोपी बहू को बता दिया है कि कोकिला के साथ हुई तमाम साजिशों में उसकी माँ भी शामिल है। दर्शकों को ये बात तो पहले ही पता है, पर सीरियल में गोपी बहू को अब जाकर अहम ने ये बात बता दी है। मॉम के साथ पिछले दिन जो कुछ भी हुआ, जिसने भी उनकी जान लेने की कोशिश की, वो और कोई तुम्हारी माँ है। तुम्हारी माँ जिसके खिलाफ खड़ी है वो हमारी माँ है। विचित्र परिस्थिति आने वाली है गोपी बहू के सामने। एक और परीक्षा की घड़ी गोपी बहू के लिए सीरियल साथिया में। लेकिन वो परीक्षा गोपी को तो बाद में देनी है, पहले अभी देसी बॉयज के साथ कुछ फोटो शोटो तो हो जाए। हाँ, अब जरा ये सुनिए कि अपनी बॉडी के बारे में इनका क्या ख्याल है। यहाँ पे सब फैमिली पैक वाले हैं। टेलीकास्ट होगा, सब लोग देख लेंगे किसके कितने पैक्स हैं। ये राइट भाई, ये है युधिष्ठिर, ठीक है, और मैं हूँ अर्जुन। हाँ, तो कृष्ण भगवान तो ये पागल भीम, ये भीम, ये भीम बैठे हैं नकुल। हाँ, सदैव भी हमारे साथ है। तो बहुत दिनों से जिम भी नहीं किया क्योंकि बीसीएल चल रहा है, तो हमने दो महीने से जिम भी नहीं किया है, तो हम तो सारे आउट ऑफ शेप हो रखे। मैं और पारस, मैं तो वैसे ही बहुत बदनाम हूँ जिम जाने के मामले में। हम रोज शाम को बीसीएल की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक आदमी ने बहुत जिम फोड़ा है, वो दिख रहा है वहाँ पे, वो बैठा शेप में। दो ही लोग हैं हमारी इंस्पिरेशन शेप में, हमारे पास दो ही लोग हैं, एक तो एम भाई और एक हमारे दद्दा जी। कहीं से लग रहा है तेरे को शेप में, एक जिम वाले शेप में और एक जीरो वाले शेप में। सही, मेरा फिटर में कुछ भी हो यार, ना ना ओम नमः शिवाय ना कुछ और, कुछ नहीं है। मैं कहीं पे भी हूँ मैं जिम जरूर करता हूँ, बस यही मेरा मंत्र असली और सीरियसली। चाहे मैं थक जाऊँ, चाहे मैं 15 घंटे काम करूँ, मैं 24 घंटे जब भी मुझे मौका मिलता है मैं जिम निकल लेता हूँ। मेरा कोई फिटनेस मंत्र नहीं, अगर मेरा फिटनेस मंत्र होता तो मैं ऐसा नहीं दिखता। सो मेरा फिटनेस मंत्र है जो दिल में आए खाओ, लिव योर लाइफ, बिकॉज आधी जिंदगी तो निकल गई है, आधी बची है, वो खुशी से जी लो। तो इनकी बातों से अब आप ये समझ गए होंगे कि ये देसी बॉयज फिटनेस को लेकर कितने सजग हैं। वैसे यहाँ धर्म भी होते तो कॉम्पिटिशन में और मजा आता। दिलचस्प है कि अब तक साथिया में महिलाओं ने ही अपना दम दिखाया है, पुरुषों को, खासकर मोदी परिवार के पुरुषों को मौका मिला है पहली बार अपने कसरती बदन को दिखाने का। अब आगे वो सीरियल में अपना दम दिखा पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे निगाहें तो गोपी बहू की ओर भी होंगी, जो इन तमाम साजिशों के बीच अपनी माँ से आखिरकार कैसे निबटती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।